कैसे रेंटल सर्विस से शुरुआत करके खुद की टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी ओपन की, कैसे दो से बनाकर खोल दिए खुद के आउटलेट्स हर शहर में, कौन है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने समाज की नहीं बल्कि अपने मन की सुनी, टाटा बिरला या अंबानी नहीं तो फिर कौन है ये एंटरप्रेन्योर्स। भारत एक ऐसा देश है जहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे देश के लोगों ने दुनिया तो क्या अंतरिक्ष तक में अपना परचम लहराया है। दुनिया उन लोगों को सलाम करती है जो अपने बल पर बुरी से बुरी परिस्थिति का सामने करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी मेहनत और हुनर से इतने आगे बढ़ जाते हैं कि समाज के लिए मिसाल बन जाते हैं। ये कहानी उन बिजनेसमैन की जिनके हाथों में हालात ने मुश्किलें दी तो उन्होंने उससे खुद की कंपनी शुरू कर डाली। आज हम कुछ ऐसे ही लोगों की बात करेंगे जिन्होंने मेहनत और संघर्ष से जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने का काम किया है और उनकी सफलता की कहानी हर इंसान के लिए प्रेरणादायी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जो मिडिल क्लास थे और आज दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप कुछ मिस ना करें। नंबर 10, तिलक मेहता। तिलक मेहता का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें वो अपने पास जमा किए हुए पैसों को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में बात करते हुए दिखा रहे थे। तिलक मेहता ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में ना सिर्फ एक कंपनी के सीईओ के रूप में पहचान बनाई बल्कि कंपनी की सेटअप के 2 वर्ष में ही 100 करोड़ का अपना बिजनेस टारगेट भी पूरा कर लिया। उनकी कंपनी का नाम है पेपर्स एंड पार्सल्स। पेपर्स एंड पार्सल्स एक ऑनलाइन कुरियर कंपनी है। इस कंपनी का काम है अधिकतम 24 घंटे में मुंबई के अलग अलग ऑफिस में पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स पहुंचाना। इस काम के लिए तिलक मेहता ने मुंबई के डब्बे वालों के साथ टाई अप किया। नंबर 9, कल्पना सरोज। कल्पना का जन्म एक दलित परिवार में हुआ। अपने दलित जाति से होने की वजह से उन्होंने न जाने कितने ताने और अपमान को सहा, लेकिन इन सबको अपने रास्ते में आए कांटे की तरह उन्होंने उखाड़ फेंका और आज वो 112 मिलियन डॉलर कंपनी के सीईओ है। टेलरिंग के बिजनेस और एक फर्नीचर के स्टोर के साथ शुरुआत करने वाली कल्पना ने सक्सेसफुली गवर्नमेंट लोन्स और कॉन्टैक्ट्स की मदद से अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश किया। दरअसल जब कमानी ट्यूब्स लिक्विडेट हो रही थी तब कल्पना ने न सिर्फ इस कंपनी की सारी लोन चुकाई बल्कि इसे एक बार फिर से शुरू किया और बाजार में अपने कदमों पर एक बार फिर खड़ा कर दिया। नंबर 8, करसन भाई पटेल। सबकी पसंद निर्मा के फाउंडर पटेल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उन्होंने अपना ये सफर घर के पीछे डिटर्जेंट बनाने से शुरू किया था। इसे वह घर शहर जाकर बेचा भी करते थे। उस समय 13 रुपए की कीमत में सबसे सस्ता डिटर्जेंट बिकता था, लेकिन उस समय पटेल ने 1 किलो डिटर्जेंट सिर्फ 3.5 रुपए में बेचा था और कैशबैक की गारंटी भी देते थे। उन्होंने रिस्क लेते हुए पूरे 1 महीने निर्मा का प्रचार किया और उनकी ये मेहनत रंग लाई क्योंकि इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग में अच्छी खासी डिमांड बढ़ चुकी थी और इस तरह पटेल ने बाजार में अपनी पैठ जमा ली थी। नंबर 7, पैट्रिशिया नारायण। पैट्रिशिया के माता पिता ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया और उन्हें अपने ड्रग एडिक्ट पति के गलत व्यवहार की वजह से तलाक लेना पड़ा। पैट्रिशिया अपने 2 बच्चों के साथ अकेले रहने लगी और इसी दौरान उन्होंने अपने कुकिंग के पैशन को मरने नहीं दिया और घर में ही अचार, जैम, सॉस बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने मरीना बीच पर एक छोटा सा टी स्टॉल खोला। करीब 3 दशक तक संघर्ष से इस सफर में उन्होंने कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हुए और यहाँ से उनकी बिजनेस की शुरुआत हुई। प्रेजेंट में चेन्नई में उनके 14 आउटलेट्स है। आज उनकी डेली इनकम करीब 2 लाख रुपए है। नंबर 6, राहुल नार्वेकर। इंडियन रूट्स के फाउंडर रहे राहुल की कहानी संघर्षों के बीच रास्ता बनाने की है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत की और अपना शिक्षा के लिए बतौर डिलीवरी बॉय, हॉस्पिटल में वार्ड बॉय और ट्यूशन भी पढ़ाने का काम किया। अपने कॉलेज के दिनों में राहुल पढ़ाई के बाद TSN में काम करने समेत एशिया का पहला म्यूजिक चैनल ऑक्सीजन में भी शामिल रहे। हालांकि ऑक्सीजन ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। उन्होंने जैसे तैसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म की और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर कोर्स में दाखिला लिया। उन्होंने एक ई कॉमर्स स्टोर fashionedandyou.com को फाउंड किया, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से वह इससे बाहर चले गए। फिलहाल वो इंडियन नेटवर्क के फाउंडर और सीईओ और स्केल वेंचर के सीईओ और को फाउंडर के पद पर काम कर रहे हैं। हमारे भारत में लोग जॉब के पीछे भागते हैं, पर बहुत ही कम लोग जो अपना बिजनेस खोलते हैं। जी हाँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं। लोग खुद का बिजनेस खोलने से डर जाते हैं और उसी डर की वजह से जॉब पर अटके हुए रहते हैं।
कमा तो बहुत लेते हैं मगर नाम कभी नहीं बना पाते। बस यही एक डिफरेंस बिजनेसमैन और एम्प्लॉयज को अलग बनाता है। नंबर 5, नितिन गोडसे अपनी मेहनत और विश्वास की बदौलत एक कंपनी के मालिक बन पाए। बेहद गरीबी में पले बड़े गोडसे को अपनी पढ़ाई के लिए सब्जी बेचने, लेबर और सेल्समैन का काम भी करना पड़ा। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एक एग्रो स्थित कंपनी का बुलावा आ गया। इस दौरान उनको एक किसान का बेटा होना काफी काम आया और उन्होंने अपना कुछ शुरू करना चाहा। सबसे पहले उन्होंने ताजी सब्जियां से संबंधित काम शुरू किया लेकिन वो चला नहीं। लेकिन उनके कदम यही नहीं रुके और उन्होंने जीरो फंड के साथ एक्सेल गैस एंड इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की और आज ये कंपनी अपने क्षेत्र में टॉप 5 में गिनी जाती है। नंबर 4, प्रेम गणपति। एक समय ऐसा था जब गणपति को अपने गुजारे के लिए होटल में बर्तन धोने का काम भी करना पड़ा था। इस दौरान उन्हें महीने के 150 रुपए मिलते थे। किसी तरह वह कुछ पैसे बचाने में कामयाब हुए और उन्होंने एक डोसा इडली का बिजनेस स्टार्ट किया। वो अपने इन प्रोडक्ट्स में सफाई और क्वालिटी का खास ध्यान दिया करते थे और यही उनकी USP बन गया। आज 4 देशों में उनके करीब 45 आउटलेट्स हैं। उनका डोसा प्लाजा सुपर हिट हो चुका है। नंबर 3, रमेश बाबू। बतौर नाई की काम शुरुआत करने वाले रमेश बाबू ने हेयर स्टाइलिस्ट के रूप में फेम पाया। इसके बाद रमेश ने रेंटल वर्क्स के लिए एक मारुति वैन खरीदी और 2 दशक बाद उनके पास 200 कार है जिसमें से 75 लग्जरी गाड़ी जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयल शामिल है। उन्होंने अपनी मारुति किराए पर देना शुरू की और इस तरह रमेश टूर्स एंड ट्रेवल्स की नींव रखी गई। नंबर 2, कैलाश कटकर। क्विक हिल टेक्नोलॉजीज के CEO कैलाश के पास स्टडीज में कोई खास एरिया का एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने मैट्रिक के बाद से ही काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने कैलकुलेटर रिपेयर से लेकर रेडियो रिपेयर का काम किया। अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद उन्होंने अपना खुद की रिपेयरिंग शॉप खोली। उन्होंने देखा कि कंप्यूटर में वायरस की समस्या सबसे ज्यादा आती है। इसके बाद उन्होंने अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे भाई को एक एंटीवायरस एडवांस्ड करने को बोला। इस सॉफ्टवेयर का नाम उन्होंने क्विक हिल रखा। आज इसकी प्रेजेंस करीब 50 देशों में है। नंबर 1, ज्योति रेड्डी। ज्योति को उसकी खराब आर्थिक हालत की वजह से अनाथालय में रहना पड़ा। यहाँ रहकर उसने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और नौकरी करके अच्छा जीवन जीने का सपना देखने लगी। लेकिन उनकी शादी हो गई और 2 बच्चे भी हो गए। इसी दौरान उन्हें 5 रुपए डेली वेजेस के साथ बतौर लेबर भी काम करना पड़ा। उनके लिए एक उम्मीद तब जागी जब केंद्रीय सरकार की एक NYK की योजना आई। ज्योति इस योजना में बतौर वॉलंटियर जुड़ी और पढ़ाने लगी। इसी के साथ वह सिलाई का काम भी करती थी और इस तरह उन्होंने एक रकम जमा करके पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की और टीचिंग की जॉब करने लगी। वह US गई और वहाँ एक गैस स्टेशन में बेबी सीटर का काम करते हुए उन्होंने एक कंसल्टिंग कंपनी का विचार आया और उन्होंने इसकी शुरुआत की। आज वह इसे सफलतापूर्वक चला रही है। ये सभी 10 लोग एक जीता जागता उदाहरण है जो सिखाते हैं कि सपने और संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी लौटेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।